हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चोको चिप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे आप बहुत सारे डेजर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, केक्स में, कुकीज़ में, पेस्ट्रीज में और भी बहुत सारे डेजर्ट्स में ये यूज़ होते हैं। काफ़ी आसान है इसे बनाना, महंगा आता है तो क्यों ना इसे घर पर बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट, मैंने यहाँ पर मिल्क चॉकलेट का कंपाउंड लिया है। आप डार्क चॉकलेट के भी कंपाउंड ले सकते हैं। अगर चॉकलेट कंपाउंड्स आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आप कैडबरी की चॉकलेट जो होती है वो ले सकते हैं। और चॉप करने से पहले आप इसे रूम टेम्परेचर में कर ले, फ्रिज से निकाल के रख लें 1 घंटा पहले, और इस तरह से हम रफली चॉप कर लेंगे ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। अब हम डबल बॉयलर में से मेल्ट करेंगे। तो एक बाउल में हमें पानी लेना है, जब उसमें बॉयल आ जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ करके जो हमने चॉकलेट जिस बाउल में रखा था वो इसके ऊपर रख देंगे, और 1 से 2 मिनट हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। और इसके बाद हम इसे चलाएंगे, स्टीम से ही ये मेल्ट होना शुरू होने लगता है और थोड़ी देर में बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, छोटे बड़े कोई भी चंक्स इसमें नहीं होने चाहिए, नहीं तो ड्रॉप जब हम करेंगे तो अच्छे से ये ड्रॉप नहीं होगा, बीच में अटक सकता है, इसलिए अच्छे से इसे हमें मेल्ट कर लेना है। छोटे से छोटे चंक भी इसमें नहीं होने चाहिए। तो अभी ये मेल्ट हो गया है तो थोड़ा हम इसे ठंडा कर लेंगे, गरम गरम पाइपिंग बैग में हम नहीं डालेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे पाइपिंग बैग में डालेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो मिल्क के जो पैकेट आते हैं उससे आप पाइपिंग बैग बना सकते हैं, या फिर पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर जो होते हैं उससे भी आप कोन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे मेल्टेड चॉकलेट को डाल देंगे। और आगे हम छोटा सा कट लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है। सीजर से आप बिल्कुल छोटा सा कट लगाइए, और बटर पेपर को चिपकाने के लिए हम थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट इस तरह से डाल देंगे ताकि ये हिले नहीं। और इस तरह से हम छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाएंगे। चोको चिप के ड्रॉप्स हमें बनाना है इस तरह से। तो सारे ड्रॉप्स बना लिए हैं। इसे हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है या बटर पेपर नहीं है तो इस तरह थाली में भी आप इसे चोको चिप का को बना सकते हैं। और इसे भी हम अराउंड 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। जो बटर पेपर में आपने चोको चिप बनाए थे वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, चिपकता नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल रहा है। और जो प्लेट में हमने डाला था उसे इस तरह से हमें निकालना होता है, तो स्पून से आप इस तरह से निकाल लें या फिर आप हाथों से भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारा चोको चिप बनके तैयार है। कितना आसान है इसे बनाना, तो इसे प्लीज़ बनाइए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप कुकिंग एंड कीप वॉचिंग।